दिवंगत पंचायत शिक्षकों के आश्रित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके लिए अनेकों बार मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि 2 साल पहले बीजेपी के कार्यकाल के समय भूपेश बघेल ने वादा किया था कि अनुकंपा की मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब तक वह वादा अधूरा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत शिक्षक संघ आज बूढ़ा तालाब में धरना दे रहे हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए 2008 से लेकर के 2018 तक इनकी अब तक के अनुकंपा नहीं मिल पाई है। आइए इनसे ही बात करते हैं, क्या किस तरीके से आप लोग इससे पहले मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए हो, किस तरीके से अस्वस्थ किए थे, अगर अस्वस्थ नहीं हो पाए तो धरना देने का जो कारण है वो व्यक्त कीजिए। सर, हम लोग बहुत बार मुख्यमंत्री जी से मिले, मुलाकात करे, उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया कि नियमों को शिथिल करते हुए आपको अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन 2.5 साल में सरकार ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए अनुकंपा संघ ये सब करने पे मजबूर हुआ है। अगर हमारी जिस तरह से दिवंगत लोकल बॉडी के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, उसी तरह हम दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों को भी योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, सिर्फ हमारी एक ही मांग है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो अनुकंपा संघ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिन रात का करेगा। अगर मुख्यमंत्री जी पिघलेंगे नहीं महिलाओं से, तो हम लोग मुख्यमंत्री निवास में घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम चक्का जाम भी करेंगे। और हम लोग अनुकंपा वाले हैं, हम लोगों के लिए नियम जारी नहीं होना चाहिए, यही कहना चाहूंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर शासन द्वारा इस तरीके से निर्णायक नहीं लिया जाता है, अगर शिथिलतापन नहीं ला करके प्रतिनियुक्ति नहीं दी जाती है, तो निश्चित तौर पे एक उग्र आंदोलन करने की भी तैयारी की जाएगी। कैमरा पर्सन छन्नू के साथ अखिलेश तिवारी, एनके न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।